नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया जाने में, तो ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना चार्जेस लगता है, क्या प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम वाला भी सिस्टम होता है भाई, जैसे कनाडा का होता है ना, स्पेशल उसको एक नाम दिया गया है एग्ज़ाम, जिसको अगर उसमें अंकों का देखना होता है कि एक कैलकुलेटर जिसको बोल सकते हैं, उसके हिसाब से आपका नंबर आता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आसानी से मिल सकता है। कितनी फीस लगती है, कौन सा वीज़ा लगता है, कितने टाइम में लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, डिटेल्स इस वीडियो में जानिएगा। हर रोज़ इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सवाल है तो कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। स्टार्टिंग में अगर बात करें, देखिए स्टार्टिंग से अगर हम पूरी डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाएं, देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपको क्यों लेना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में लगभग आज के टाइम में 7 से 8 लाख जॉब के अवसर अभी चल रहे हैं और डॉलर में भाई पैसा कमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पीआर, जी हाँ, परमानेंट रेजिडेंस आप ले सकते हैं, ये भी अच्छी है। आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको वहाँ पर बेनिफिट होते हैं, अगर आप रिटायरमेंट भी हो जाते हैं पीआर होने के बाद में, तो अच्छे ऑप्शन आपके मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर काम की बात करें ना, तो भाई काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो भाई जीवन लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो जाती है, आपको पता है। जैसे आपकी योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन है, उसको इंपोर्टेंस महत्व मिलता है। टाइम भी बहुत कम है काम करने का, मात्र एक सप्ताह में आपको लगभग 38-40 घंटे काम करना होता है। पेंशन का लाभ आपको मिल जाता है, स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाता है, आपको एजुकेशन एक अच्छी मिल जाती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये देख लो भाई, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नौकरी करते हैं तो कितनी तनख्वाह मिल जाती है, वेतन आपकी सैलरी लिखा है, ईयरली सैलरी रहेगी डॉलर में, आप देख सकते हैं। आईटी क्षेत्र में लगभग 1 लाख से 1 लाख 15 हज़ार, ये डिटेल पूरी दी गई है। हेल्थ केयर से रिलेटेड आपकी सैलरी $1 लाख से 1.25 लाख रहती है, बाकी और भी जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो 70 हज़ार से 1 लाख डॉलर है। पेशेवर वैज्ञानिक सेवाएँ आपकी हैं, 90 हज़ार से लगभग 1 लाख डॉलर मिल जाती है। भाई ऑस्ट्रेलिया के परमिट वीज़ा देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है अस्थाई वर्क परमिट वीज़ा, एक होता है अस्थाई वर्क परमिट वीज़ा। अस्थाई के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको बेनिफिट होते हैं। इस वीज़ा के तहत में अगर आप कुशल, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो अस्थाई रूप से रहना और काम करने के लिए आप अपने द्वारा वहाँ पे अपने रह भी सकते हैं, और परमानेंट के लिए पीआर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। जो अस्थाई परमिट वीज़ा है ना, इसमें भाई बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें आपको वहाँ पे रह भी सकते हैं, साथ में आपको पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपके अंदर अगर विशेष क्वालिटी जिसको बोल सकते हैं पेशा, आप जैसे प्लेयर हैं, आप कोई आर्ट हैं, आप एजुकेशन से हैं, या फिर आप साइंटिस्ट से रिलेटेड हैं, असाधारण आपके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है, तो आपको ये वीज़ा, आपको रहने के लिए वीज़ा भी मिलेगा और आपको पीआर भी मिलेगा। दोनों ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आपके पास बेहतर हो सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की अस्थाई वर्क परमिट की बात कर लेते हैं। भाई 90% लोगों को यही वीज़ा मिलता है, आपको देखा होगा आपने, जिसमें वर्कर की आवश्यकता के अनुसार जो वहाँ पे होते हैं उस व्यक्ति को वीज़ा 2 से 4 साल के लिए बीच काम कर सकते हैं। और वीज़ा को प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस को, ये बिजनेसमैन होता है, उसको ये दिखाना होता है कि वो नौकरी के लिए स्थानीय प्रतिभा की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो स्पॉन्सर है वो ये साबित करेगा कि उनको ऑस्ट्रेलिया में वर्कर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो आपको इंडिया से हायर कर रहा है, जो कम से कम 2 साल का पिछला कार्य अनुभव भी उनके पास होना चाहिए और 45 साल से कम आपकी उम्र इसमें होनी चाहिए। वीज़ा लगभग लोगों को ऑस्ट्रेलिया जो जाते हैं ना शुरू में ये वीज़ा मिलता है। ये स्किल्ड जो वर्कर हैं उनके लिए अस्थाई वीज़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहना और काम करना चाहते हैं। अस्थाई शॉर्ट टर्म में स्टे स्पेशलिस्ट, ये वीज़ा में आपातकालीन अस्थाई विशिष्ट वीज़ा के लिए जाता है, जिसको 6 महीने का आप मान सकते हैं, जिसको आजकल अलग अलग नाम बोला जाता है ना, रिकवरी, पता नहीं क्या क्या नाम, अलग अलग नाम बोल देते हैं। जो आप स्पेशलिस्ट हैं आपको 6 महीने के लिए वीज़ा दिया जाता है। काम पर छुट्टी का वीज़ा, ये वीज़ा 18 से 30 साल के लोगों को उपलब्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में आप कम समय के लिए रह सकें और अवैधता अवधि 1 साल तक है। यानी 18 साल से 30 साल के लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है, जो कुछ समय के लिए जाके वहाँ पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा है। मैंने भाई आपको एक पहले बात बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट का एक मानदंड माना गया है, जिसको टेस्ट स्किल्ड बोल सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से अगर आपको अंक आते हैं, एक डिग्री, एक आपको टेस्ट बोला जाता है, उसके हिसाब से ये वीजा के आप पात्र माने जाएंगे। उसमें उम्र की बात करें तो 25 से 32 वर्ष है, उसमें अधिकतम अंक आपको 30 मिलेंगे, और अंग्रेजी इंग्लिश में आईलेट्स में अगर आईट बैंड है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के बाहर का अगर कार्य अनुभव है 8 से 10 साल का तो आपको 15 अंक मिलेंगे, और ये अंक के आधार पर आपको मेरिट के आधार पर फिर आपको वीजा मिलता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको कार्य का अनुभव है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और आल कौशल डायरेक्ट या ऑस्ट्रेलिया में अनुसंधान आपको मास्टर डिग्री है तो 10 अंक मिलेंगे, और एक क्षेत्रीय में अगर आपने लोकल में वहाँ पे कोई एजुकेशन किया तो 5 अंक हैं। ये जो है ना, ये वो अंक हैं जो आपके योग्यता के आधार पे आपको मिलेंगे। जी हाँ, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी ना, उसके हिसाब से आप उसको टेस्ट में, आप एक कैलकुलेटर आता है उसमें अगर आप भरोगे ना, तो आपके सामने ये डिटेल आएगी और उसी अंक अपने आप उसमें सबमिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट वीज़ा भाई लेना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोसेस
स्कॉलरशिप से गुजरना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 25 से 32 साल की है और सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उम्र आपकी 45 साल से ऊपर अंक नहीं मिलेगा, 45 साल होनी चाहिए। इंग्लिश भाषा में आपको आईलेट्स में कम से कम 8 बैंड आपको आने जरूरी हैं, जी हाँ। और आपको स्किल्ड वर्कर आपके पास होना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए और अनुभव के आधार पर 20 अंक आपको इसमें मिल सकते हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है उसके आधार पर आपको 20 अंक तक मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपकी स्किल्ड क्या है उसके आधार पर आपको अलग से कुछ 5 अंक एक्स्ट्रा मिलते हैं। और क्षेत्रीय अध्ययन आपने लोकल में कहाँ क्या अध्ययन किया उसके 5 अंक मिलते हैं। और अगर आपने सामुदायिक भाषा से रिलेटेड कुछ अलग है आपके अंदर तो उसका 5 अंक अलग से मिलता है। और आपकी जीवन साथी उसमें भी कोई योग्यता है तो भाई आपको अलग से अंक दिए जाएंगे, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। और आपको आपने कितने साल तक वहाँ पे कोई डिग्री डिप्लोमा किया है उसके 65 अंक तक होंगे, जिसमें 12 अंक आपको इसमें मिल सकते हैं। वो स्किल्ड टेस्ट के बाद में अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा के लिए आवेदन करने का ये तरीका हो सकता है। अपना ऑस्ट्रेलिया का जो कौशल मूल्यांकन है ना, वो आपने सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जो आप टेस्ट देते हैं वो आपके पास होता है और उसके माध्यम से आप अपनी क्वालिफिकेशन यानी अपनी कैपेबिलिटी की आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन अंक जो है ना, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कैलकुलेटर बोल दो, टेस्ट सेंटर बोल दो, वहाँ पे ऑनलाइन आप वो कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा का प्रकार आपको कौन से वीज़ा में उसके टेस्ट के हिसाब से जो अंक आते हैं ना, आप ये वीज़ा आप चुन सकते हैं। और आवश्यकताओं की चेक लिस्ट उसमें आप डिटेल डालोगे तो ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया में काम करो और आप वहाँ पे जाके पीआर करने की कोशिश करो। और भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लोगों को इतना जल्दी मिल जाता है, मेरे पास काफ़ी वीज़ा आए हैं, कम से कम 20 से 25 वीज़ा अब तक ऑस्ट्रेलिया के आ चुके हैं। सर जी मैंने इतने टाइम में दिया था, इतना जल्दी मेरा वीज़ा आ गया, लेकिन कम से कम 2 महीने से 8 महीने 6 महीने तक का टाइम ऑस्ट्रेलिया का लग जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब वीज़ा की चार्ज की बात कर लेते हैं, भाई वीज़ा का चार्ज कितना होता है। जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये वीज़ा का चार्ज है। इसमें चार्ज शीट दी गई है कि आपको मैंने जो कैलकुलेटर के हिसाब से आपको कौन सा वीज़ा मिलेगा वो तय करेगा। उसके बाद में देख सकते हैं वीज़ा की कैटेगरी लिखी है, यानी कैटेगरी 189 है, एक 180 है, 190 है और 491 है। ये 3 कैटेगरी के वीज़ा होते हैं। उसमें देख सकते हैं इसका 189 का मतलब होता है स्किल टेस्ट का, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड टेस्ट आप अगर आप देते हैं तो कहीं से भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। 190 का मतलब होता है आपका स्थायी वीज़ा, आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाता है, 2-4 साल का वीज़ा नहीं मिलता है। आप कहीं भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में रहो और कहीं पर भी काम करो, ये आपको इसमें बेनिफिट होता है वो होता है। 491 का मतलब वीज़ा का मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी आदमी इसमें वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ये इसमें एज लिखी गई है और ये आपके भाई 2022 से जो शुल्क है ना, ये डॉलर में दिया गया, ये आपकी वीज़ा की फीस लगेगी। आप समझ सकते हैं वर्तमान वीज़ा शुल्क देख सकते हो, लगभग $4,000 है इसमें। और इसमें 2000 अलग अलग वीज़ा के है ना, 18 साल से ऊपर के आवेदक के लिए ये है, मुख्य आवेदक के लिए ये है, अलग अलग आपकी वीज़ा की फीस है, ये वीज़ा की फीस आपकी लगेगी। आप समझ सकते हैं $4,000 से $5,000 आप खर्चा मान सकते हैं, $4,000 से $5,000 का भाई कितना खर्चा बन जाता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी लोग तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पता नहीं 20 लाख भी लेते हैं, लोग 15 लाख भी लेते हैं। तो कुल मिला के जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपको शेयर कर दी है। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें ताकि उस पर हम रिसर्च करके फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम डिटेल से बात करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।